चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म दैट डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5। तीन अंकों कैसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं इन अंकों का यूज करके, ठीक ना। कंडीशन पहली है कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, यदि आपको इन नंबरों को रिपीट करने की अनुमति हो और दूसरे में अनुमति ना हो, ठीक ना। पहले तो ये कंडीशन है कि ओनली आपको सिर्फ थ्री डिजिट के नंबर ही बनाने हैं, ठीक ना। तो हम दोनों में थ्री डिजिट के लिए थ्री बॉक्स यूज कर लेते हैं, ठीक ना। अब देखो रिपीटिंग और नॉट रिपीटिंग का मतलब समझो। रिपीटेशन में क्या होता है कि जितने नंबर हैं, जैसे यहाँ 1 हुआ 2 3 4 5, इनमें से हम सबसे बड़े नंबर को हम लेंगे। अगर रिपीटिंग की कंडीशन है तो जितने डिजिट के नंबर हमें बनानी उतने बार हम उसी बड़े नंबर को लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। रिपीटेशन में मतलब ही होता है कि किसी भी बड़े अंक को या किसी भी नंबर को आप जितना चाहो उतने बार लिख सकते हो। बट यहाँ पे कंडीशन आपको समझना है कि जब रिपीटेशन रहे, रिपीटिंग की वैल्यू मेंशन रहे, तो आपको इनमें से सभी नंबरों को काउंट करना है कितने, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल नंबर कितने हैं 5। तो 5 नंबर को बोल दिया ना रिपीटिंग की कंडीशन है, तो हम 5 को हर एक बार यूज कर सकते हैं। 5 का मतलब हुआ कि हम चाहें तो यूनिट प्लेस पे 5वें नंबर को रख सकते हैं, रिपीटेशन की कंडीशन है। हम चाहें तो टेंस प्लेस पे ही 5वें नंबर रख सकते हैं, और हम चाहें तो 100 प्लेस पे भी हम 5वें नंबर को रख सकते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड, ठीक ना। अगर हमें यहाँ बोल दिया ना नॉट अलाउड, अगर नॉट अलाउड की कंडीशन आती है तो हम किसी भी एक नंबर को ही यूज करेंगे एक बार में, जैसे हम यूनिट प्लेस पे 5वें नंबर को रख लेंगे, बट उन्हीं 5ों में से कोई एक यहाँ फिल हो जाएगा, कोई एक आ जाएगा, ये कन्फर्म है। तो 5 तो थे, जब एक आ जाएगा तो बचेंगे कितने, 4। तो उन 4 को हम यहाँ पे रखेंगे, 4 मतलब कोई भी वो 4 अंक यहाँ पे रखे जा सकते हैं। अब जब 4 नंबरों में से कोई एक यहाँ फिल हो जाएगा, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ, तो 2 तो गए काम से, 2 फिल हो चुके हैं, तो बचे कितने, अब टोटल 3 बचे, तो तीनों नंबरों को हम 100 प्लेस पे रख सकते हैं। ये कहलाता है रिपीटिंग और नॉट रिपीटिंग। तो जब इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करेंगे तो पहले तो हम ये चेक करेंगे कि कितने डिजिट की नंबर बनाने हैं, तो 3 डिजिट, ठीक ना, 3 बॉक्स मेंशन कर लिए समझाने के लिए। फिर ये देखेंगे कि टोटल नंबर हैं कितने, तो टोटल थे 5 नंबर, ठीक ना, आई होप कि समझ में आ रहा होगा, 5 नंबर थे, ठीक है ना। अब 5 में रिपीटिंग जब कंडीशन आएगी तो इनको हम क्या करेंगे, वही जो 5 नंबर है उनको हम बार बार यूज कर लेंगे, और नॉट रिपीटिंग में एक बार में एक नंबर यूज होगा, फिर जब एक यूज हो गया तो 5 में से बचे कितने, 4, तो हम दूसरे स्थान पर यूज करेंगे, फिर दूसरा स्थान जब कंप्लीट हुआ 4 में से तो कोई 3 बचेंगे, उनको हम लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन में मेंशन करते हैं। ऐसे आंसर की हम बात करें तो रिपीटेशन में आया है तो 5 × 5 × 5 आप करेंगे तो 125 आ जाएगा, और इसमें वही कंडीशन नॉट रिपीटिंग में तो 3 × 4 × 5 आया तो कितना हुआ, 5 × 20 = 60, और इसका आंसर हो। पर थोड़ा सा वर्डिंग के यूज कर लेते हैं, बस थोड़ा थोड़ा, और आंसर, ठीक ना। When a repetition of the digit is allowed, उससे पहले we have given, मैं आप यहाँ पे लिखेंगे we have given number, we have given digits, अंक कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल नंबर कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक ना। तो when repetition of digits is allowed, ठीक ना, जब अनुमति हो इन नंबरों को बार बार यूज करने की, ठीक ना, then तब 3 digits numbers can be formed
कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन डिजिट्स एस, ठीक ना। रिपीटेशन की कंडीशन है तो हम यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और हंड्रेड प्लेस पे सभी पे फाइव फाइव नंबर को यूज करेंगे, तो 125 ये कंप्लीट। इसी के दूसरे नंबर पे हम देखें दूसरे कंडीशन नॉट रिपीटिंग का, फिर से वही सेकंड कंडीशन पे व्हेन व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, जब नंबर को रिपीट करने की अनुमति ना हो, देन थ्री डिजिट्स नंबर्स कैन बी डब्ल्यू ई ना होके वी ही है, व्हेन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन डिजिट्स इज, तब क्या होगी, यूनिट प्लेस से हम किस कितने नंबर यूज कर सकते हैं, फाइव, ठीक है। लेकिन फाइव मतलब कि यूनिट प्लेस को हम फाइव टाइप से, मतलब यूनिट प्लेस में हम फाइव नंबर में से किसी एक को यूज कर सकते हैं। जब एक भर जाएगा तो कितने बचेंगे, चार, तो टेंस पे आएगा, और जब चार में से कोई एक भर जाएगा तो तीन बचेंगे, तो ये हंड्रेड पे आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर 60 हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर पहला हो जाएगा कंप्लीट।